Hello everyone, welcome to Khantek Education. So today's lecture is about classification of phylum Nidaria. आज की इस वीडियो से हम phylum Nidaria की क्लासिफिकेशन का स्टार्ट लेंगे, जिसमें हमारा मेन फोकस जो होगा आज वो क्लास एंथोजोआ का होगा. सो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो क्लास एंथोजोआ है, और इस वीडियो में हम क्लास एंथोजोआ को डिटेल से डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो नाउ द क्लासिफिकेशन. सो अगर फाइलम निडेरिया की क्लासिफिकेशन की बात करें, सो फाइलम निडेरिया को जो है 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लास एंथोजोआ, क्लास हाइड्रोजोआ एंड क्लास साइफोजोआ. सो आज के जो हमारा मेन फोकस है वो क्लास एंथोजोआ पर है. सो क्लास एंथोजोआ, क्लास एंथोजोआ इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम निडेरिया व्हिच कंटेनिंग मोर देन 6000 स्पीशीज. ठीक है, सबसे बड़ी क्लास है फाइलम निडेरिया की, जिसमें तकरीबन 6000 से भी अबव जो है वो स्पीशीज जो है इंक्लूड है. बेसिकली जो क्लास एंथोजोआ है उसमें ज्यादातर जो है वो कॉरल्स इंक्लूड होते हैं. इसी वजह से जो ज्यादातर इनकी स्पीशीज हैं वो मरीन है एंड मोस्टली सेसाइल फॉर्म है. ठीक है, एक जगह पे अटैच रहती है, मूव नहीं कर पाती. ठीक है, अगर हम इनकी सिमेट्री की बात करें, या तो ये रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं या तो ये बायलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, मीन्स के दोनों तरह की सिमेट्री जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, रेडियल भी और बायलेटरल भी. ओके, फ्लावर लाइक अपर सरफेस और ओरल डिस्क. ओरल डिस्क की अगर इनकी बात करें तो क्लास एंथोजोआ में जो स्पीशीज है उनकी जो ओरल डिस्क है वो उनकी अपेरेंस जो है वो फ्लावर लाइक है, जैसे के सी एनमोन. जैसे आप बैकग्राउंड में पिक्चर भी देख सकते हो, ये जो है सी एनमोन की पिक्चर है, और आप देख सकते हो कि फ्लावर लाइक जो है वो ओरल डिस्क यहाँ पर प्रेजेंट है. दे आर आइदर सोलिटरी और कॉलोनियल, दोनों फॉर्म्स मौजूद हैं. कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो सोलिटरी फॉर्म में, मीन्स वो इंडिविजुअल रहती हैं, और कुछ स्पीशीज जो है वो ऐसी हैं जो कॉलोनियल फॉर्म में रहती हैं. अगर इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें, सो दोनों तरह की रिप्रोडक्शन यहाँ देखी जाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी. बट जो मेडिसोइड स्टेज होती है वो यहाँ पर एब्सेंट है. मेडिसोइड स्टेज मींस कि इनके जो लाइफ साइकिल है उसमें जो मेडुसा है उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और मेडुसल कोई स्टेज यहाँ मौजूद नहीं है. इसी वजह से यहाँ मेडिसोइड स्टेज है वो टोटली एब्सेंट है. सो नाउ द स्केलेटल फीचर्स, मीन्स के स्केलेटल स्ट्रक्चर, किसी भी कोरल्स की स्केलेटल स्ट्रक्चर या उसकी स्केलेटल बॉडी जो है वो कैसी होती है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैसिव कैलकेरियस स्केलेटन है निडेरियंस का, वो एक्टोडर्मल सेल्स से सिक्रेटेड है. ठीक है, अगर हम कोरल्स की स्केलेटन की बात करें, सो जो कोरल्स के स्केलेटन है वो 3 मेन एलिमेंट्स पर जो है वो कंसिस्ट करता है, सेप्टा, थीका एंड द बेसल प्लेट. ओके, बेसल प्लेट क्या है? बेसल प्लेट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द स्केलेटल स्ट्रक्चर, किसी भी पॉलिप का जो फर्स्ट फॉर्म स्केलेटल स्ट्रक्चर है बेसल प्लेट, जिसके जरिए जो है पॉलिप जो वो अटैच होता है, उसकी अटैचमेंट होती है, उसका जो बेस है वो क्या कहलाता है? बेसल प्लेट, जिसके थ्रू जो है पॉलिप अटैच होता है सबस्ट्रेटम के साथ. ओके, एंड द सेकेंड वन इज द एपिथीका. एपिथीका इज बेसिकली द आउटर वॉल ऑफ द थीका. ओके, थीका इज अ ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हो, ये जो पार्ट है ये क्या कहला रहा है हमारे पास? थीका कहला रहा है. सो इसकी जो आउटर वॉल है वो क्या कहलाती है? एपिथीका. सो एपिथीका एंड दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ कॉरल्स. एंड द थर्ड वन इज द सेप्टा. सेप्टा इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड सेप्टम. सेप्टम क्या होते हैं? सेप्टम बेसिकली रेडिएटिव वर्टिकल लाइन्स हैं जो इसकी बॉडी में जो है वो प्रेजेंट होती हैं, जिसका काम क्या होता है कि वो कॉरल्स को या पॉलिप को जो है एक पर्टिकुलर शेप देता है, उसकी जो शेप है उसको मेंटेन करने में जो है वो हेल्प करता है. इसके अलावा भी जो है वो काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जो इसके स्ट्रक्चर में जो है वो शामिल हैं, बट दीज थ्री आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स जिनके ऊपर जो है कॉरल का पूरा स्केलेटन जो है वो कंसिस्ट कर रहा है. सो नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास एंथोजोआ. So class Anthozoa is further divided into the 2 subclasses and the 3 orders. Okay, 2 subclasses includes the class Alcyonaria and the second one is Zoantheria. 2 subclasses hain class Anthozoa ki, theek hai, and there are 3 orders. Theek hai, order Rugosa, order Tribulata
एंड ऑर्डर स्क्लेरेक्टिनिया. सो दैट वॉज ऑल अबाउट क्लास एंथोजोआ. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब खान टेक एजुकेशन. थैंक यू.